ओके क्लास, तो आज हम एम डी कैट में लॉजिकल रीजनिंग जो है वो डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो टेस्ट होता है एंटी टेस्ट 200 मार्क्स का, उसके अंदर हमारे पास जो 6 मार्क्स के हैं या 6 मार्क्स के 6 नंबर के हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे ज़्यादा स्मॉल वेटेज जो है वो इसी पोर्शन का होता है, सिर्फ 6 नंबर का होता है बस ही। तो उसके लिए एक क्लास भी अगर हम करते हैं तो ये काफ़ी होती है। तो उसी हवाले से मैं ये क्लास डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये जो पास पेपर है 2023 के, मतलब जो क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे उसमें एम डी कैट के हवाले से। और एक प्ले लिस्ट इसके लिए मैंने बनाई हुई लॉजिकल रीजनिंग के नाम से, उसी में ये जाकर ये ऐड हो जाएगा। तो आप बाकी लेक्चर्स भी वहाँ से वॉच कर सकते हैं। तो होपफुली शायद कि ये इस सेशन का हमारा लास्ट लेक्चर होगा अगर हम उसको कर लेंगे तो। बाकी मैं आपको बता दूँगा इन देंड कि क्या चीज़ें किस तरह से करनी है, क्योंकि जो चीज़ें आप फिज़िकली नहीं कर पाएंगे अब जाहिर सी बात है वो घर बैठ के ऑनलाइन ही आपको करना है। तो बाकी फिज़िकली हम लास्ट क्लास कंडक्ट कर रहे हैं इसमें। तो लॉजिकल रीजनिंग के पास पेपर हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बस ये आपको सेंस देना है। ये कोई चैप्टर वाइज नहीं होता है, इसके कोई चैप्टर्स नहीं होते हैं ये, और सिंपल इसके लॉजिक्स होते हैं, इसमें कोई फार्मूला नहीं होता। सिंपल अगर आपके लॉजिकल स्किल्स स्ट्रॉन्ग हैं तो आप इसको ऐसे ही कर लेंगे बिना कोई किसी तैयारी के, और जिसके स्ट्रॉन्ग नहीं है लॉजिकल स्किल्स वो प्रैक्टिस कर लेगा, दो में से एक काम कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट, सबसे पहले जो मैं आपको पास पेपर मैं आपको करा रहा हूँ, ये DUHS का है, नाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज MD का 2023, ठीक है। तो ये जो डाओ के MD कैट के पास पेपर हैं ये वो, लेकिन वो JSMU वाले हैं ये, तो जो फर्स्ट टाइम हुआ था ये वो वाला है। चूँकि जो रिकंडक्ट हुआ था उसका हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन हमें नहीं मिल सके, इसलिए हम जस्ट JSMU के 6 क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो ये 2023 में 2 टेस्ट हुए थे, चूँकि फर्स्ट वाला तो बहुत बेहतरीन लीक हुआ था तो वो तो सारे ही सवाल उसका आ गया था हमारे पास 200 का 200, लेकिन सेकंड वाले के हर क्वेश्चन नहीं आए थे, चंद एक क्वेश्चन से हमें पता लगे थे बस, लेकिन लीक तो वो भी हुआ था बहरहाल, बट उसके सारे क्वेश्चन व्हाट्सएप पर नहीं आए थे, इसलिए हमें लॉजिकल रीजनिंग का नहीं पता उसमें क्या आया था, और ना ही शायद इंग्लिश पोर्शन का भी नहीं जानते उसमें क्या आया था जो डाओ ने कंडक्ट किया, लेकिन JSMU का तो सारा मौजूद है, ठीक है। तो ये डाओ के JSMU वाले पास वो हैं 6 क्वेश्चंस आएंगे अभी, तो उसको हम देखते हैं। तो किस तरह से सवाल होते हैं देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल है क्वेश्चन मैंने, ईसा इज़ यंगर देन मूसा। ईसा एक शख्स है जो यंगर देन मूसा है, मूसा से ज़्यादा यंग है, मतलब मूसा से छोटा है। अब एक्स, अच्छा, और दो लोग हैं एक्स और एक वाई है। एक्स जो है वो उसकी जो उम्र है ट्वाइस ईसास एज, ईसा के एज के डबल है, जबकि वाई जो है ना वो क्या है, मूसा की एज है। एक्स और वाई मतलब दो वैल्यूज वेरिएबल दे रहे हैं कि एक्स जो है हमारे पास ईसा के एज का ट्वाइस है और वाई हमारे पास जो मूसा की एज है। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इन्फॉर्मेशन, बताएं इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन हमें ट्रू दिखती है, सही दिखती है, कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स इज ग्रेटर देन वाई इज ग्रेटर देन एक्स, या द रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो यहाँ पर अब देखें, अब ये लॉजिकल रीजनिंग है, ये पहेली है, रिडल्स होते हैं इसके अंदर ना, पहेली बूझनी होती है हमें, इसमें यही काम होता है लॉजिकल में। कह रहे हैं कि ईसा जो है वो तो छोटा है मूसा से, मतलब ईसा छोटा है मूसा बड़ा है। एक्स जो है वो ईसा की एज का डबल है जबकि वाई जो है मूसा की एज है। तो आप बताएं और एक्स और वाई के बीच का क्या रिलेशनशिप है। ऑप्शन बी, वाई इज ग्रेटर देन एक्स। अब देखो, अब हम अपने मर्जी से हम ईसा की कोई एज जैसे डाल देते हैं, जैसे कि अगर हम इसको 10 ईयर्स का डाल देते हैं और यंगर देन मूसा है तो मूसा को अगर मैं 15 ईयर्स का डाल देता हूँ, तो एक्स जो हमारे पास है ट्वाइस ऑफ ईसास एज है, मतलब ये हमारे पास हो गया 20 और ये वाई हमारे पास हो गया 15। अब देखो ये जो है ना रिलेशनशिप, अच्छा अब यहाँ पर क्या पता लग रहा है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, लेकिन अगर हम इसके अलावा भी जो है वो सिनेरियो बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ईसा इज यंगर देन मूसा ना, तो एक्स हमने ईसा की ये लगाई और मूसा की एज हमने लगा दी। अगर हम एज डिफरेंस थोड़ा सा कम कर दें, जैसे कि अब ये इसको हम इसको ज़्यादा कर दें, मूसा को अगर हम 40 ईयर्स का कर दें, तो अब तो भी तो ए आ रहा था ना, एक्स इज ग्रेटर देन वाई आ रहा था,
अब देखो क्या होगा कि ट्वाइस ईसास एज, तो ईसा की एज का ट्वाइस यहाँ पर कितना हो गया 20, और मूसा की एज यहाँ पर कितनी हो गई 40। अब यहाँ एक्स इज लेस देन वाई आ गया, तो ये जो है ना ये रिलेशनशिप डिटरमाइन की ही नहीं जा सकती, इसके डी ऑप्शन करेक्ट है कि द रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि ईसा और मूसा की कोई भी एज हो सकती है। अब अगर हम मूसा की एज को अगर डबल ऑफ ईसा एज कर देंगे ना, तो फिर जाहिर सी बात है वो हमारे पास रिलेशनशिप दूसरी बन जाएगी, तो ये दोनों सारे में से कोई पॉसिबल ही नहीं है। तो ये लॉजिक का सवाल है, अगर आपकी लॉजिक स्ट्रॉन्ग थी तो आप समझ जाते हैं कि क्या हो रहा था उसके अंदर, ठीक है। ज़रूरी नहीं है ऐसा कि जैसे मैंने वैल्यू चेंज की तो हमने देखा कि अलग हो गई। तो इस तरह के रिडल टाइप क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, लुक केयरफुली एट द सिंबल्स टू फाइंड पैटर्न। चलिए सिंबल्स इसमें तो लिखे नहीं, आगे मिल जाएंगे सिंबल्स आपको, ये क्वेश्चन है। तो लुक केयरफुली एट द सिंबल्स टू फाइंड द पैटर्न, सेलेक्ट द पैटर्न फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस गिवन बिलो। अभी एक दो तीन चार है, अब ये पांचवा जो है ना वो कह रहे हैं कि क्या होना चाहिए था, जो पांचवा ऑप्शन डी होना चाहिए, क्योंकि पहले एक यहाँ से एक बड़ा है, फिर यहाँ से एक बड़ा है, फिर यहाँ से पूरा हो गया तो यहाँ से ही पूरा हो जाएगा, तो ये हमारे पास ऑप्शन डी हो जाएगा। ये हमारे पास, इसको हम लोग नॉन वर्बल रीजनिंग कहते हैं, तो ये नॉन वर्बल रीजनिंग कहलाती है। नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या होता है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास कोई सिंबल्स गिवन होते हैं या पिक्चर गिवन होती है, उसके थ्रू हमें देखना होता है। अक्सर जो इंटेलिजेंस टेस्ट आर्मी नेवी एयरफोर्स में आ रहा होता है, तो ये चीज़ आ रही होती है, तो ये भी लॉजिकल रीजनिंग का ही पार्ट है। अब उसमें एक वर्बल होता है, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, वर्बल रीजनिंग थी, और ये नॉन वर्बल है, तो दोनों ही आते हैं, ठीक है। वापस आते हैं क्वेश्चन थ्री पे है, सारा इज फाइव रैंक्स बिलो द टॉप स्टूडेंट फाइव इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, व्हाट इज सारास रैंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ द क्लास। यस बिल्कुल सही है, सारा पाँच रैंक बिलो है टॉप स्टूडेंट फाइव से, 50 बच्चों के क्लास में, तो नीचे से अगर हम बॉटम से देखेंगे तो सारा की रैंक क्या होगी, 45th होगी, अगर हम उल्टा रैंक चलाएंगे तो, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन फोर, इफ ब्लू इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड व्हाइट, व्हाइट इज कॉल्ड रेड, एंड रेड इज कॉल्ड येलो, व्हाट इज द कलर ऑफ मिल्क। अब ये अलग अलग इसमें बच्चे आंसर लगाते हैं कि अगर ब्लू को हरा कहते हैं, हरे को सफ़ेद कहते हैं, सफ़ेद को लाल कहते हैं, लाल को पीला कहते हैं, तो बताए दूध का क्या कलर होता है, मिल्क का क्या रंग होगा। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर मिल्क व्हाट इज द कलर ऑफ मिल्क, तो वो व्हाइट ही रहेगा, चूँकि, और कुछ बच्चे कहते हैं कि इसको असल में यहाँ पर क्या करना है, इस स्टेटमेंट के लिहाज से जवाब दे रहे हैं, तो वाइट नहीं आंसर आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो वाइट इज कॉल्ड रेड ना, तो वाइट को रेड कहा जाता है, तो मिल्क का कलर यहाँ पर रेड हो गया, तो इसका डी ऑप्शन होना चाहिए, हाँ रेड ही होना चाहिए उसका, रेड ही करेक्ट आंसर, आंसर की में भी रेड ही है इसका। क्वेश्चन फाइव है, रीड द स्टेटमेंट एंड फॉलोइंग कोर्सेज ऑफ एक्शन केयरफुली, देन सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अच्छा ये अभी जो है ना कोर्स ऑफ एक्शन जो आता है, कॉज एंड इफेक्ट जो आता है, तो ये आपका, ये तो टोटली डिसीजन मेकिंग स्किल्स है, ये रिडल पहेली नहीं है, ये तो फिर आपकी मेच्योरिटी लेवल पर बेस करेगा कि आप डिसीजन मेकिंग क्वालिटी आपके अंदर कैसी है, किस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं चीज़ों को। चूँकि अब अच्छा मसला ये होता है कि इंजीनियरिंग में तो हम लोग नहीं कराते इसको, NDD के टेस्ट में तो नहीं आता, तो ये MD GATE में क्यों आता है, क्योंकि वहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग समटाइम इम्पॉर्टेंट होती है। मैं ना भाई एक शख्स आता है, वो बहुत ज़्यादा जख्मी हालत में, उसका एक्सीडेंट हुआ है ट्रॉमा सिचुएशन में, अब वो मौत के करीब है, तो अब उसके साथ पहले क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए, पहले क्या देनी चाहिए, उसके बाद क्या, ये बहुत मैटर करता है डॉक्टर के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर वो कोर्स ऑफ एक्शन सही करेगा तो इन दैट केस क्या होगा कि उसकी जान बच सकेगी, अदरवाइज वो मर जाएगा। इसलिए डॉक्टर्स के लिए लॉजिकल रीजनिंग का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इट विल कॉस्ट अ लॉट ऑफ लाइफ्स, दैट्स वाई ये चेक करते हैं आपका कि लॉजिक्स आपके स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, तो वही चीज़ है। तो इसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन के पहले क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए, तो स्टेटमेंट यहाँ पर दी होती है कि इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स इन एक्स वाई जेड स्कूल इज बिलो द टाउन एवरेज। कि एक स्कूल है एक्स वाई जेड स्कूल का नाम है, कोई भी स्कूल है, उसके जो स्टूडेंट्स के इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स है ना वो बहुत बिलो टाउन एवरेज है, मतलब टाउन में बाकी स्कूल्स के अच्छे हैं लेकिन एक्स वाई जेड स्कूल में बच्चे इंग्लिश की स्किल्स उनकी अच्छी नहीं है। तब अब इवन टू में से दोनों में से क्या काम करना चाहिए, या पहला काम करना चाहिए, दूसरा करना चाहिए, दोनों करने चाहिए या दोनों नहीं करने चाहिए, ये कोर्स ऑफ एक्शन कहलाता है, ठीक है। तो आपको कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ पर बताना है, पहला क्या कह रहे हैं, ऑल इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स इन एक्स वाई जेड स्कूल शुड बी रिप्लेस विद गुड वंस। कि जितने भी इंग्लिश लैंग्वेज टीचर हैं, इंग्लिश पढ़ाने वाले एक्स वाई जेड स्कूल में, उनकी जगह नए टीचर लाने चाहिए जो कि ज़्यादा बेहतर हो,
पहला काम ये करें, अभी आपसे पूछा जा रहा है कि करें कि ना करें। दूसरा, ऑल इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स इन एक्स वाई जेड स्कूल शुड बी प्रोवाइडेड अ ट्रेनिंग कोर्स। जितने भी इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स एक्स वाई स्कूल में, उनको एक ट्रेनिंग कोर्स या तरबियती एक कोर्स मुहैया करना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी कह रहे हो, यस ये बी ऑप्शन करेक्ट है। देखो हम वन नहीं करेंगे, हम टू करेंगे। देखो बात तो दोनों कर सकते हैं, अगर आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं आप दोनों काम कर सकते हैं। लेकिन बजाय इसके कि हम जो टीचर जो एक रोज़गार से एक मुंसलिक है, हम उनको हटा के नए टीचर रखें और उनकी रोज़ी पर लात मार दें, बेहतर ये होगा कि उनको ट्रेन किया जाए। ज़्यादा बेहतर तरीका ये ताकि उनकी जॉब भी ना जाए और वो इंग्लिश स्किल्स भी इम्प्रूव करें, बच्चों को पढ़ा सकें। तो एक बेहतर प्रिंसिपल ये फैसला करेगा बजाय इसके कि वो फर्स्ट वाला फैसला करें। तो ये कोर्स ऑफ एक्शन कहलाता है। देखिए है तो वो भी सही, अब लोग क्या फ़र्क पड़ता है, नए टीचर रख दें, रखते भी बहुत सारे स्कूल वाले, भी नहीं होगा नहीं, पूरा टीचर ही पूरा स्टाफ चेंज कर दिया, मसला हो ही ना करना ऐसा। और प्रिंसिपल कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक कोर्स ऑफ एक्शन होता है कि अप्रोप्रिएट क्या है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट अप्रोच, तो वो तो हमारे पास हर सी बात है, पी है, समझ गए। तो इसमें कोई चैप्टर या कोई फार्मूला नहीं लगेगा इसके अंदर, ये आपका जहन इस्तेमाल होगा सर। उसके बाद छठा क्वेश्चन है, अब ये हमारे पास कॉज एंड इफेक्ट वाला सवाल है। कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है, ये भी आसान होता है कि सबब क्या है और उसका असर क्या है। तो दो स्टेटमेंट होती है, फर्स्ट स्टेटमेंट है इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, स्टेटमेंट टू है द फुटबॉल मैच वॉज कैंसल्ड। मतलब पहला है कि मतलब इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मतलब कि मौसलाधार गरज चमक के साथ बारिश हो रही थी, कैट्स एंड डॉग का मतलब यही होता है ना। और दूसरे स्टेटमेंट के फुटबॉल का मैच कैंसिल कर दिया गया। अब आपको पता है पहला वाला जो है वो कॉज है और दूसरा उसका इफेक्ट आया कि फुटबॉल मैच कैंसिल हो गया। तो ये ऑप्शन होगा स्टेटमेंट वन इज द कॉज एंड स्टेटमेंट टू इज इफेक्ट। सही बेटा, समझ गए। तो ये छः ही MCQs हैं, अभी आगे और कराऊंगा। ये छः MCQs हैं जो 2023 में आए थे JSMU के जो है वो उसमें। किसी के पास डाउट हैं, किसी के पास लॉजिकल रीजनिंग जो आए थे छः सवाल, डाउट के छः सवाल हैं, मतलब डाउ ग्रेड्स में तो अलग ही है ना, छोड़ दें उसको, वो तो केमिस्ट्री सही नहीं है तो वो कहाँ से होगा उसमें, लॉजिकल रीजनिंग वो तो और सही नहीं होगा, एक्यूरेट मुझे चाहिए ना। तो ये जैसे ये ऑथेंटिक है, जिसने टेस्ट दिया उसको पता ही आया था, तो ऑथेंटिक होने चाहिए ना भाई, एग्जैक्ट बिल्कुल मुझे सवाल चाहिए ताकि हम बिल्कुल उसी की प्रैक्टिस कर सकें। बाकी जो वीडियो में देख रहे हैं वो शायद शेयर कर देता, मैं देख लूँगा उसको। डाउ के जो पास पेपर है, चूँकि मुझे तो नहीं मिले थे, मैंने बड़ा कोशिश किया, वो कोशिश उसी टाइम किया था जब डाउ का टेस्ट हुआ था, तो आंसर की बना रहा था, तो केमिस्ट्री के तो मैंने बना दिए थे सारे, लेकिन इंग्लिश का भी नहीं बना पाया था, लॉजिकल का भी नहीं बना पाया था, क्योंकि बच्चों ने बताया भी नहीं था रिकंडक्ट में कि क्या क्या आया क्या नहीं आया। थोड़ा पेपर लीक हुआ था लेकिन कुछ पेजेस लीक हुए थे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। बाकी जो भी नम्स का टेस्ट हुआ है उसका जो है ना, वो मैंने आंसर की अपलोड की, आज ही किए। तो नम्स का टेस्ट अगर, वो थोड़ा टफ टेस्ट था ना, तो बच्चों ने उस पर अभी काफ़ी बोला था। इस बार हाँ, पिछली बार बहुत आसान था, इस बार टफ था ना नम्स का टेस्ट। आंसर कीज़ में भी इशू था, ऑप्शंस में भी इशूज थे, क्वेश्चन भी गलत थे, तो वो मैंने उसको एनालाइज करके अपलोड कर दिया है, किसी को देखना हो तो नम्स की वो देख सकता है, ठीक है। लेक्चर केमिस्ट्री इंग्लिश का पोर्शन और ये जो होता है, बस ये दो ही पोर्शन किए, बाकी उसमें लॉजिकल रीजनिंग तो आती है, नम्स में साइकोलॉजिकल टेस्ट आता है तो वो अलग होता है, ठीक है। नम्स तो आप में से किसी ने नहीं दिया ना, हाँ तो बस छोड़ दें इसको। लेकिन MDCAT नम्स के लेवल से आसानी बनता है, ये याद रखिएगा, नम्स हमेशा से मुश्किल ही होता है। नम्स को देखकर आप परेशान नहीं हो सकते कि भाई MDCAT भी ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होता, क्योंकि नम्स पूरा FTB से फेडरल से बनता है, वहाँ सिंध बोर्ड को टच ही नहीं करते, उसकी तो बात ही अलग है, ठीक है। अब इसके बाद अब नेक्स्ट देखो, हम 2023 के और MDCAT के पेपर करें, ये UHS के मैं करा रहा हूँ। UHS जैसे कि आप जानते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, कि जो पंजाब की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होती है ना, जैसे किंग एडवर्ड हो गया, इसके अलावा कोई दूसरी यूनिवर्सिटी हो गई, इसमें अगर आपको एडमिशन लेना होता है तो आपको UHS का टेस्ट के कंडक्टिंग बॉडी होती है। वैसे टेस्ट आपको पता है पाकिस्तान में कहीं भी दे सकते हैं, आप UHS से दे दो, आप डाउ से दे दो, आपकी मर्ज़ी है, एडमिशन आपका आपके डोमिसाइल के लिहाज से हो, लेकिन टेस्ट आप पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे भी दो, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेकिन UHS टफ होता है, इसलिए UHS में पंजाब में जाए कोई भूल नहीं करता टेस्ट देने की, मतलब पंजाब वाले इधर उधर जाकर देते, लेकिन हम लोग पंजाब जाके कभी नहीं देते, क्योंकि बहुत मुश्किल टेस्ट होता है, सबसे मुश्किल UHS ही बनता है, और सबसे इजी जो बनता है वो हमारा इस्लामाबाद का बनता है, जैम्बू का, वो भी करेंगे। क्वेश्चन वन है, अच्छा हर सूबे का अलग अलग है, PMC तो है नहीं, PMDC जब आए तो आपको पता है हर एक प्रोविंस का अलग टेस्ट हुआ ना,
तो पंजाब का अलग टेस्ट हुआ था। तो अब उसके 6 सवाल देखते हैं। फर्स्ट है, ऑल चिल्ड्रन आर सिली पीपल। अब ये इस तरह का भी एक सवाल होता है, अब ये इसका मैं तरीका वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन होता है। ऑल चिल्ड्रन आर सिली पीपल, सम सिली पीपल आर रिच पीपल, ऑल रिच पीपल आर बिग शॉट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन आर नेसेसरी टू। अब इसके लिए क्या होता है, ये थोड़ा दिमाग की दही बनाने वाला सवाल होता है। इसके लिए बेहतर है कि आप इसको मैं वेन डायग्राम से आप कर लें। जैसे ऑल चिल्ड्रन आर स्लीप पीपल, जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे क्या है, स्लीप पीपल। ऑल चिल्ड्रन आर स्लीप पीपल, सारे बच्चे हमारे पास स्लीप पीपल हैं, ठीक है। तो और सम स्लीप पीपल आर रिच पीपल, कुछ स्लीप पीपल जो है वो रिच पीपल हैं, तो उनमें से कुछ। अब इसको डायग्राम देखो कैसे बनेगा। अच्छा, अगर ये कहा जाए ना कि चिल्ड्रन आर स्लीप पीपल, उसका मतलब ये हो गया कि चिल्ड्रन और स्लीप पीपल एक ही हैं। लेकिन स्लीप पीपल चिल्ड्रन के अलावा कोई और भी हो सकते हैं, तो उसका मतलब ये हो गया कि ये हमारे पास आ गया। देखो जरा, ये हमने एक बनाया, ये हमारे पास हो गया, दिस इज स्लीप पीपल, ये है स्लीप पीपल, और इसके अंदर जितने बच्चे हैं वो सारे के सारे स्लीप पीपल हैं। तो यहाँ पर कहीं पर हमारे पास चिल्ड्रन आ गया, उसका मतलब यही हो गया कि ऑल चिल्ड्रन आर स्लीप पीपल। स्लीप पीपल बच्चे के अलावा कोई और भी हो सकते हैं, कोई नहीं है सिर्फ चिल्ड्रन। और सम स्लीप पीपल आर रिच पीपल, कुछ स्लीप पीपल रिच पीपल हैं, तब ये इस तरह से शेडेड बनेगा। अब कुछ स्लीप पीपल जो हमारे पास रिच पीपल हैं, अभी आगे रिच पीपल। अब कुछ स्लीप पीपल हमारे पास ऐसे होते हैं जो रिच पीपल भी होते हैं, तो ये हमारे पास आगे इधर से। तो कुछ स्लीप पीपल हमारे पास जो है वो रिच पीपल, लेकिन सारे रिच पीपल स्लीप पीपल नहीं है, सिंपल सी बात है ना। तो ऑल रिच पीपल आर बिग शॉट्स, जितने भी रिच पीपल हैं वो सारे के सारे क्या है, बिग शॉट्स हैं, मतलब ये सारे रिच पीपल बिग शॉट्स हैं। तो बिग शॉट्स रिच पीपल के अलावा कोई और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम बना लें तो ये हमारे पास हैं बिग शॉट्स, तो सारे रिच पीपल हमारे पास बिग शॉट हैं। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि फॉलोइंग कंक्लूजन आर नेसेसरीली ट्रू, कौन से कंक्लूजन ट्रू है। पहला, सम स्लीप पीपल आर चिल्ड्रन, कुछ स्लीप पीपल चिल्ड्रन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, कोई शक की बात ही नहीं, वन तो सही है। टू है, सम रिच पीपल आर चिल्ड्रन, कुछ रिच पीपल हमारे पास चिल्ड्रन हो सकते हैं, चूँकि कुछ रिच पीपल स्लीप पीपल है ना, तो कुछ स्लीप पीपल चिल्ड्रन भी हैं, तो ये भी सही है। मतलब टू भी हमारे पास करेक्ट है कि सम रिच पीपल आर चिल्ड्रन, क्योंकि ये चिल्ड्रन इधर पे भी तो आ सकता है ना, ये तो पूरे कहीं पे भी मूव कर सकता है इस डायग्राम के अंदर। उसके बाद सम स्लीप पीपल आर बिग शॉट, कुछ स्लीप पीपल हमारे पास जो है वो बिग शॉट्स हैं। थ्री भी आ रहा है, ऑप्शन में नहीं है ना, ओके। तो डायग्राम दोबारा बनाते हैं, शायद डायग्राम बनाने में कहीं पर मिस्टेक हुई, देखते हैं अभी क्या पता सही ऑप्शन, दोबारा डायग्राम बनाते हैं। और चिल्ड्रन और स्लीप पीपल, सारे बच्चे स्लीप पीपल हैं, तो हम यहाँ पर चिल्ड्रन और स्लीप पीपल को एक ही कर देते हैं फिलहाल। जितने ऑल चिल्ड्रन आर स्लीप पीपल, इस तरह से कर लेते हैं तो शायद आसान हो जाए। और सम स्लीप पीपल आर रिच पीपल, कुछ स्लीप पीपल रिच पीपल हैं, अब ये यहाँ पर हम कर देते हैं, दिस इज रिच पीपल। ऑल रिच पीपल आर बिग शॉट, जितने रिच पीपल हैं इसी को यहीं पर देते हैं, आर बिग शॉट्स। अब शायद आसान भी हो गया ही, अब देखते हैं। सम स्लीप पीपल आर चिल्ड्रन, कुछ स्लीप पीपल चिल्ड्रन है, ये तो पॉसिबल है, वन तो है ही है। और सम रिच पीपल आर चिल्ड्रन, सही, ये तीनों ही होने चाहिए आई थिंक, इसमें तो हर तरह से ना, तो वन टू और थ्री, हाँ सेम है ना, हाँ सही कह रहा हूँ, तो यहाँ पर वन टू एंड थ्री दोनों सही होगा ना, कि तीनों ही सही है, मतलब किसी भी तरह से डायग्राम बनाओ तीनों सही बन गए हमारे पास, ठीक। तो बेहतर है कि इसको वन डायग्राम से किया जाए ना, तो आप पूरे करेक्ट आंसर तक पहुँचते हैं। क्वेश्चन टू है, अब ये नंबर सीक्वेंस वाला सवाल है। रीड द फॉलोइंग, ये समझ में आ गया ना सबको फर्स्ट। अभी UHS का थोड़ा टफ होता है, तो थोड़ा दिमाग लगाए, सिंध का तो बहुत आसान आता है। रीड द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर, एक्स वाई एंड जेड आर थ्री होल नंबर्स लेस देन 31 बट ग्रेटर देन 23। कह रहे हैं कि एक्स वाई और जेड तीन अलग अलग नंबर हैं,
एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है। ये तीन अलग अलग हमारे पास होल नंबर्स हैं। होल नंबर मतलब पॉइंट में नहीं है, टोटल है, फ्रैक्शंस में नहीं है। और ये नंबर्स क्या है बेटा, लेस देन 31 बट ग्रेटर देन 23, मतलब 24 से लेकर 30 के बीच में ये नंबर्स हैं, जो भी नंबर्स हैं जो एक्स वाई जेड में आएंगे। अब इसमें से क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, एक्स इज अ प्राइम नंबर, एक्स एक प्राइम नंबर है। अब 24 से 30 तक प्राइम नंबर हमारे पास क्या हो सकता है, प्राइम नंबर क्या होता है जो सिर्फ अपने टेबल में आते, कौन सा है, 26 13 में नहीं आता है। प्राइम नंबर कौन सा है इस नंबर के, 31 आ रहा है, 30 तक है, 29 है प्राइम नंबर। अभी हम सिखाना पड़ेगा प्राइम कमोडिटी नंबर क्या होता है। 29, तो 29 आ गया एक्स में, और आई थिंक भी ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी तो आ ही जाएगा ना, एक्स 29 और किसी में नहीं है। अब बाकी देखो हम देख लेते हैं कि वह कैसे आ रहा है। ये देखो 100% सही, क्योंकि बाकी में एक्स 29 नहीं है। ये तरीका होता है ना शॉर्टकट टाइम बचाने का। अब वाई क्या कह रहे, वाई इज द लार्जेस्ट ऑड नंबर स्मॉलर देन 35, मतलब 30 से नीचे लार्जेस्ट ऑड नंबर हमारे पास 35 से कम ना, तो लेकिन रेंज तो हमारे पास 31 तक ही है ना, तो 31 से नीचे जाएंगे, तो 31 से नीचे जाएंगे 30 से नीचे जाएंगे 29, 29 ऑड नंबर आ गया, सही। तो ये तो y इज इक्वल 29, और क्या कह रहे हैं कि z इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। अब 24 में सबसे 24 ही सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर है, ये 24 आ गया z, सही है। तो ये नंबर सीक्वेंस है, तो ये भी आसान होता है, तो थोड़ी मैथमेटिक्स भी इसमें इन्वॉल्व हो रही होती है। क्वेश्चन 3, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड सेलेक्ट द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस सेलेक्ट करना है, अब देखें कैसे सेलेक्ट करेंगे। अब देखो 1 2 3 4 5 बार ऐसे, अब ये बीच में क्या कर दिया उन्होंने, आर डाल दिया, आर एस, आर क्या होता है, पहले होता है एस। अब इस आर को उसने क्या किया कि इधर इधर हटाया पीछे और बीच में क्यू डाल दिया, मतलब आर से पिछला लेटर। अब हम इसमें क्या करेंगे, क्यू को इधर उधर करेंगे और क्यू के बीच में पी डाल देंगे, तो पी आ गया। अब फिर इस P को इधर उधर करेंगे और P से पहले क्या आता है, O, तो O लगा देंगे, तो उसका मतलब P Q P O P Q, ये होगा ना डी ऑप्शन, मतलब कुछ ना कुछ पैटर्न बन रहा होता है उसके अंदर। आप देख रहे हैं क्या पैटर्न बन रहा है, वो कुछ भी बना सकता है रैंडम पैटर्न इसके अंदर। क्वेश्चन 4 है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अज्यूमिंग एवरीथिंग इज टू बी ट्रू, देन डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड कोर्स ऑफ एक्शन लॉजिकली फॉलो एंड बर्थ परसू, तो कोर्स ऑफ एक्शन दोबारा आ गया। तो मिला जुला के सवाल आते हैं, क्या कह रहे हैं स्टेटमेंट, जो टॉडलर कहते हैं छोटा बच्चा, जो माऊ माऊ चलता है ना उसको बोलते हैं, जो पाँव पे नहीं चल सकता वो टॉडलर है, जो दोनों हाथ से भी चलता है और पाँव से चलता है, छोटे बच्चे जो होते हैं 1 साल की उम्र तक, 1 साल से पहले तक। तो योर टॉडलर, आपको जो टॉडलर है, ड्रॉप्स एंड ब्रेक्स अ ग्लास बाय जेनियन एक्सीडेंट, वो क्या करता है, वो गिरा देता है, तोड़ देता है ग्लास को एक हादसे की वजह से, एक एक्सीडेंट की वजह से। तो आप क्या करेंगे, आप द बींग अ फादर या बींग अ मदर, आप क्या करेंगे। तो फर्स्ट है, येल एट देम टू बी मोर केयरफुल विथ थिंग्स आर मेड आउट ऑफ ग्लास। येल मतलब होता है चिल्लाना, कि आप उन पर चिल्लाएंगे कि आप ज़्यादा केयरफुल रहें, कि वो ताकि वो चिल्ला कर उनको चिल्लाएंगे ताकि वो ज़्यादा केयरफुल रहे आगे जाकर ग्लास से बनी चीज़ों के लिए। दूसरा है, पनिश देम टू मेक श्योर दे रिमेंबर टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल नेक्स्ट टाइम। क्या होगा, अब तो अप्रोप्रिएट बता रहा है, कर तो दोनों सकते, अम्मा है कुछ भी कर देगी, क्या फर्क पड़ता है, कौन पूछने वाला है। असल में ये आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना समटाइम, जो बचपन में हमारे साथ हुआ है। डी ऑप्शन है, बाबा दोनों ही नहीं करना चाहिए, चीखेंगे क्यों, पागल है क्या बच्चों पे, चीखना चिल्लाना एक सही कोर्स ऑफ एक्शन थोड़ी ना है। अब दोनों ही नहीं करेंगे भाई, क्या हो गया, प्यार से समझा सकते हैं, ये थोड़ी ना है कि उसको येल करेंगे या पनिश करेंगे, वही गलत बात है। हम जिस जगह ताल्लुक रखते हैं तो हमें लगता है कि ऐसा ही होता होना नहीं चाहिए, ऐसा गलत है कॉन्सेप्ट, लेकिन होता यही है, बट होना नहीं चाहिए, सही बात है ना। तो उसके बाद क्वेश्चन 5 है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई द बेस्ट कॉज इफेक्ट रेडिएशन। तो कोर्स ऑफ एक्शन से ना हमारी तो हमारी जो थिंकिंग है ना वो सामने आती है, कि हम क्या डिसाइड करते हैं अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों पर, तो ये सही कोर्स ऑफ एक्शन होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द बेस्ट कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। तो पहला क्या है, ओके स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट कहाँ गया, अच्छा कॉज एंड इफेक्ट है ना, स्टेटमेंट नहीं होती। स्टेट पी, एक स्टेट है पी फॉर पंजाब, वॉट एवर पंजाबी हो गए,
स्टार्टेड प्रोवाइडिंग मल्टीपल रिहैबिलिटेशन स्कीम लाइक फ्री एजुकेशन जॉब सर्च हेल्प एंड हेल्प ग्रुप्स फॉर एडिक्ट्स ETC ओवर द पास्ट ईयर। कि जो स्टेट पी है उसने क्या किया है, मुख्तलिफ रिहैब स्कीम उसने बनाई है, जैसे कि तालीम देने की या जॉब सर्च हेल्प की और हेल्प ग्रुप की, किन एडिक्ट्स के लिए जो नशा आवर लोग होते हैं नशे में, तो उनके लिए रिहैब सेंटर्स बनाए गए हैं गुज़िश्ता सालों में। ये पहला है। सेकंड है, क्राइम रेट्स फॉर स्टेट पी हैव स्टेडली डिक्रीज ओवर द पास्ट ईयर। और उस स्टेट पी में जो है वो क्या है, जो क्राइम रेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है कुछ सालों में। तो बताइए क्या कॉज है, क्या इफेक्ट है। वन कॉज है, सेकंड इफेक्ट है, सिंपल है, ऑप्शन भी हो गया। स्टेटमेंट वन कॉज, स्टेटमेंट टू इफेक्ट, कि चूँकि और ये हैब स्कीम बनाई गई है तो एडिक्ट्स वगैरह ज़्यादातर रिहैब में चले गए, तो ज़्यादातर वही लोग होते हैं जो चुराते हैं चीज़ों को, एडिक्ट से होते हैं, तो वो ख़त्म हो गया क्राइम रेट। सही है। क्वेश्चन सिक्स है, रीड द पैसेज एंड फॉलोइंग स्टेटमेंट बिलो देन चूज द करेक्ट ऑप्शन बेसिंग ऑर योर आंसर ओनली ऑन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड। ओके, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी होगी उसके अंदर है कि पाकिस्तान इज़ रिच इन वाइल्ड लाइफ एंड कल्चर। पाकिस्तान रिच है वाइल्ड लाइफ में और कल्चर में, जंगली हयात में और सकाफत में रिच है। पैसों में तो नहीं है, इन दो चीज़ों में तो है, जंगली हयात बहुत है और सकाफत बहुत है पाकिस्तान में, लेकिन इकॉनमी वीक है। इट इज़ होम टू मैनी सॉर्ट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ फ्राम द आईबेक्स टू द इंडस रिवर डॉल्फिन। ये घर है बहुत सही जंगली हयात का, जैसे कि आईबेक्स जो पहाड़ी बकरे होते हैं वो पाकिस्तान में, मारखोर वगैरह ये बहुत हैं, एंड इंडस रिवर डॉल्फिन जो ब्लाइंड डॉल्फिन होते हैं सुना होगा, तो ये भी बहुत हैं पाकिस्तान में। एंड पीपल फ्राम मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव मेड देयर होम हेयर। ये कब हुआ, और बहुत सारे कंट्री के लोगों ने जो है ना यहाँ पर अपना घर बनाया है। चलो सही है, तो स्टेटमेंट ये हमारे पास ये दो लाइन में दी गई है। अब इसे बता रहे हैं ऊपर वाले पैराग्राफ के लिहाज से क्या क्या स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है पाकिस्तान इज़ अ रिच कंट्री, ये नहीं है, रिच इन वाइल्ड लाइफ है ना, रिच इन इकोनॉमी थोड़ी ना, रिच अगर उसमें बोलते तो पैसों में अमीर हो जाते, किसी और चीज़ में रिच होगा तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। टू है पीपल फ्रॉम ऑल नेशनलिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड लिव इन पाकिस्तान। सही है, ये तो लिखा हुआ है ना इसके लिहाज से, रियल में नहीं है बट ये पैराग्राफ के लिहाज से है, बट तो हम लोग भी छोड़ के भागना चाहते हैं, तो ये तो पैराग्राफ के लिहाज से तो बता रहे हैं, स्टेटमेंट के लिहाज से ठीक है, तो टू सही है। थ्री है पाकिस्तान इज होम ऑफ एटलीस्ट वन डॉल्फिन स्पीशीज, बिल्कुल सही है, इंडस रिवर डॉल्फिन पाकिस्तान में, तो टू एंड थ्री करेक्ट है, बी ऑप्शन ओनली टू एंड थ्री आर करेक्ट। सही है, दिमाग कैसे, तो ये स्टेटमेंट होता है वो करेक्ट दिखना पड़ता है, उसके लिए कुछ घर से पढ़ के जाने की जरूरत नहीं होती, वहीं जा कर करना है, ये कुछ ऐसी चीज़ सुनने के फार्मूला याद करके जाने करते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम एक और, ये UHS का हो गया, अब ये KMU MD का हम डिस्कस करते हैं। तो KMU हमारे पास क्या है, दिस इज़ ये खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कहलाती है ना, पेशावर वगैरह में जो KPK में जो टेस्ट लेती है, एंटी टेस्ट, तो पहले तो ETA लिया करती थी, अब ETA के बजाय ये लेती है KMU लेती है, पिछले साल उसने लिया है। जैसे हमारे यहाँ पहले NTS लिया करती थी, तो वैसे वहाँ ETEA हुआ करता था, तो पास पेपर भी ETEA के मिलते हैं वहाँ पर, लेकिन अब KMU लेती है PMDC जब से आई। ठीक है, तो अब ये देखते हैं, रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन। पैराग्राफ को पढ़ के सवालात के जवाब दीजिए। ओके, ओवर द पास्ट सेंचुरी द बिजनेसमैन हैज हेल्प बिल्ड सिविलाइजेशन ग्रेट सिटीज प्रोवाइडेड पीपल विथ लग्जरीज एंड लिफ्ट हिज फेलो सिटीजंस टू सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फर्दर सीडिंग द इंडिविजुअल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अराउंड द वर्ल्ड। गुज़िश्ता सदी में जो कारोबारी लोग हैं उन्होंने मदद की तहजीब को तैयार करने में, उसकी तामीर करने में, या तहजीब के सिविलाइजेशन के अजीम शहरों को तैयार करने में, और उन्होंने मुहैया किया लोगों को आसाइशें और अपने लोगों को, अपने शहरियों को बुलंद किया, लिफ्ट किया, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेरे ज़िंदगी बढ़ाई कारोबारी लोगों ने। और बाद में फर्दर मज़ीद क्या किया उन्होंने, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी वो उनकी सीट हुई, उनकी बीज हुई, और सनती इंकलाब जो है वो दुनिया में आया। तो अब यहाँ पर ये अब पढ़ते हैं कि द पैसेज सपोर्ट्स द स्टेटमेंट दैट द बिजनेसमैन डैश, कि पैसेज क्या करता है कि बिजनेसमैन ने क्या किया। अब चार ऑप्शन है, इज़ अकाउंटेबल टू द सोसाइटी, प्रोवाइड सीड्स टू एग्रीकल्चरल सेक्टर, इज़ द बेनिफिशियरी ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। ऑप्शन डी अप्रोप्रिएट है, तो सी नहीं होगा, डी होगा, चूँकि फर्दर सीडिंग इंडस्ट्रियल लेवल। हाँ बेटा, सो डी ऑप्शन हो गया, करेक्ट कहा आपने। क्वेश्चन टू है, सम मंथ्स हैव 31 डेज, हाउ मैनी हैव 28। कुछ महीने ऐसे होते हैं जिसमें 31 दिन होते हैं, मतलब कितने ऐसे महीने जिसमें 28 दिन होते हैं।
How many have 28? Yes, all months have 28 days वगैरह. ये क्यों नहीं होगा? हाँ ये तो ये थोड़ा लॉजिकल अगर हम सोचो तो ये मारूफ सही कह रही है कि ऑल मंथ्स हैव 28 डेज. क्या 28 दिन तो हर महीने में ही होते हैं ना भाई, समझ गए? टोटल, हाँ टोटल नहीं लिखा ना कि टोटल ओनली कितने डेज है. तो हाउ मनी हैव 28, तो ऑल मंथ्स हैव 28 डेज. लॉजिकली ये रिडल के टाइप का सवाल था. बहुत सारे वैसे ए लगा देते हैं कि वन मंथ एंड दैट इज फेब्रुवरी, लेकिन ऐसा नहीं है. ठीक है, तो क्वेश्चन थ्री है, रीड द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर. माइस आर टू कैट्स एज गोट्स आर टू डैश. एनालॉजी है, इसको हम एनालॉजी कहते हैं. एनालॉजी में क्या होता है, हम लोग कंपैरिजन करते हैं या सिमिलर कंपैरिजन हम लोग निकालते हैं. जैसे माइस आर टू कैट्स, माइस कहते हैं चूहे को, माइस आर टू कैट्स मतलब माइस का जो रिलेशन कैट्स के साथ है, गोट्स का वही रिलेशन किसके साथ होगा. असल यहाँ पर बात हुई है हंट और हंटर की बात है ना, यहाँ पर हंट एंड हंटर. जो कैट है दैट्स बात है, वो माइस को खाएगा, तो गोट को कौन खाएगा? इन सब में से लायन खाएगा. डी ऑप्शन. ये एनालॉजी कहलाती है, वर्बल एनालॉजी इसको हम कहते हैं. इसमें सोचते हैं तो कोई एक ना एक पैटर्न बना रहे होते हैं, समझ गए? क्वेश्चन फोर है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द बेस्ट कॉज एंड इफेक्ट. दोबारा कॉज एंड इफेक्ट तो एक ना एक आते ही है हर साल. यह आसान होता है. फॉर द पास्ट फोर ईयर्स द डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी रेट हैज़ बीन राइजिंग. चार सालों में शरह खौंदगी ज़िले की वो बढ़ी है, इंक्रीज हुई है. सेकंड कह रहे हैं द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज अ थरो ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द वॉलंटियर्स वर्किंग ऑन द लिटरेरी कंपेन. अब बताएं क्या कॉज है क्या इफेक्ट है. टू कॉज है और वन इफेक्ट है. टू की वजह से वन हुआ है ना, टू इज द कॉज एंड वन इज द इफेक्ट. दैट्स कॉज नॉट काउज, ये कॉज है. जैसे बिकॉज कॉज है, कॉज एंड इफेक्ट, काउज एंड इफेक्ट नहीं कहेंगे, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक है. कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है. क्वेश्चन फाइव, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड सेलेक्ट द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस. ठीक है, ये फाइव है, ठीक है. पी फाइव, पी फाइव क्यू आर, पी फोर क्यू एस, पी थ्री क्यू टी. अच्छा ये वर्ड बाय वर्ड, पी फाइव पी फोर पी थ्री, तो यहाँ क्या आएगा? अब पी टू होता, बी नहीं है हमारे पास और डी नहीं है, सी हो सकता है और ए हो सकता है. अब देखो क्यू 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 तो क्यू ही रहना है, तो पी टू क्यू और पी टू क्यू ये भी सही है. अब आगे देखते हैं ना, आर एस टी तो पी टू क्यू यू, ऑप्शन सी. अच्छा यहाँ पर टू बड़ा लिखा हुआ इस वजह से सही हो गया, तो ये तो मसला ही कोई नहीं था. ओके, क्वेश्चन सिक्स है, कोर्स ऑफ एक्शन है. ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉल्यूशन द गवर्नमेंट बैन्स द यूज ऑफ ऑल सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेक्स्ट ईयर. बढ़ती हुई आलूदगी की वजह से गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, बैन कर दिया है जितने भी सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं, उनको अगले सालों से उन्होंने बैन कर दिया नेक्स्ट ईयर से. कोर्स ऑफ एक्शन क्या, कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए. तो इंक्रीजिंग पॉल्यूशन की वजह से जो गवर्नमेंट है उन्होंने बैन कर दिया है तमाम सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को नेक्स्ट ईयर से. अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए. पहले एन अवेयरनेस कैंपेन इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट टू इंकरेज पीपल टू यूज इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स. दूसरा, सब्सिडीज टू बी प्रोवाइडेड टू कंपनीज दैट मैन्युफैक्चर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स. मतलब पहला है कि लोगों को अवेयरनेस दिया जाए कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो है ना वो प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें. दूसरा है कि जो कंपनीज है गवर्नमेंट उनको सब्सिडी प्रोवाइड करें, सब्सिडी मतलब टैक्स रिलैक्सेशन दें ताकि वो उनको मतलब एक तरह से मोटिवेशन मिले इस तरह के प्रोडक्ट्स को बनाने के. तो क्या होना चाहिए कोर्स ऑफ एक्शन, दोनों करना चाहिए सही है. डी ऑप्शन है, बोथ वन एंड टू दोनों ही सही, बेहतर है दोनों किया जाए, समझ गए? इससे क्या होगा कि प्लास्टिक बैग्स कम से कम इस्तेमाल हो मसला. तो ये हमारे यहाँ पर KMU का क्या लास्ट पेपर हम करेंगे, जैम्बू का पेपर है ये 2023 का. अब ये जैम्बू हमारे पास क्या है, दिस इज अच्छा शहीद जुल्फकार अली भुट्टू मेडिकल यूनिवर्सिटी. अच्छा इस नाम से पाकिस्तान में बहुत कुछ है, जैसे हमने देखा है ना, अब इस नाम से बहुत कुछ है. देखो जैम्बू है, इसी तरह से ये जैम्बू जो है ना, जैम्बू क्या चीज़ है, ये दिस इज शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये इस्लामाबाद में है. इस्लामाबाद की जो मेडिकल यूनिवर्सिटी उसका नाम जैम्बू है.
वहाँ अलग टेस्ट होता है फेडरल का जो होता है, मतलब पंजाब का टेस्ट इस्लामाबाद में नहीं चलता है, वो अलग टेस्ट देता है। इसी तरह इस्लामाबाद के अलावा जो बलूचिस्तान होता है उसमें भी यही जैम्बू का टेस्ट होता है। बलूचिस्तान भी अपना टेस्ट कंडक्ट नहीं करती, वो इस्लामाबाद की टेस्ट ला रही होती है, ठीक है। तो बोलो वरना बलूचिस्तान का पास पेपर हमें मिलता नहीं है कहीं भी, क्योंकि वो होता ही नहीं है टेस्ट वहाँ। तो बलूचिस्तान में वही टेस्ट चल रहा होता है जो इस्लामाबाद में चल रहा होता है, दिस इज़ जैम्बू। तो ये यहाँ ये पंजाब सब फेडरल वाले ही वहाँ पर एडमिशन लेते हैं, कराची वालों की सीट इतनी नहीं होती है। इसी तरह से एक हमारे पास है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी, ये MBBS BDS कराते हैं, लियारी वाला जो मेडिकल कॉलेज है ये तो कराची में है ये, ठीक है। और एक है BBSUL बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी लियारी, ये भी लियारी में, लेकिन ये फार्मडी कराता है, फार्मडी और BS के कोर्सेज कराता है, ये भी वहीं है लियारी में, ये भी नाम सुना होगा आपने, फार्मडी होता है यहाँ से BBSUL से, गवर्नमेंट का ये भी। इसी तरह से एक हमारे पे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना, इसको पहले CMC या चांडका मेडिकल कॉलेज कहा करते थे, तो उसका नाम भी चेंज करके चांडका मेडिकल कॉलेज से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना रख दिया गया, ये भी आपने देखा होगा लिखा होगा अक्सर जगहों पर। इसी तरह से एक यूनिवर्सिटी आपको ज़ेविस्ट मिलती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग वालों के लिए होती है ज़ेविस्ट, BBA वगैरह करने के लिए ज़ेविस्ट। इसी तरह से एक आपको मिलता है ज़ेबुल, ये लॉ के लिए होता है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ ज़ेबुल। तो भुट्टो के नाम से बहुत कुछ आता है, पाकिस्तान इन्हीं के नाम पर है, ठीक है। तो अक्सर बच्चे यूनिवर्सिटी के नाम पर परेशान हो जाते हैं, ये क्या हर जगह ये लिखा हुआ होता है, तो ये अलग अलग यूनिवर्सिटी है, तो अक्सर सारे एक ही लगते हैं बच्चों को, सब एक ही है, क्योंकि सब भुट्टो आ रहा है नाम में, तो बहुत के नाम में आ रहा है, ठीक है, क्या समझ गए। ऐसे में तो ये ज़ेम्बू जो है ना वो तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद की, BBA बैचलर ऑफ बिजनेस, ये कॉमर्स वाले करते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जिसको हम कहते हैं, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कॉमर्स वालों की फील्ड है, BBA MBA कॉमर्स वालों के लिए पहले BBA किया जाता है फिर MBA किया जाता है, MBA कर लिया जाए तो वैल्यू बन जाती है, बट ये मेडिकल और इंजीनियरिंग वालों के लिए थोड़ी ना होती, ये तो वो जो कॉमर्स स्ट्रीम्स के हैं ना वो करते हैं, कर तो आप भी सकते हैं लेकिन जाहिर सी बात है ये है आपके लिए। अब ज़ेम्बू MD कैट जो है ना 2023 है, तो ये देखते हैं इसके भी 6 सवालों में सिर्फ, आपको पता 6 सवाल तो आते नहीं। क्वेश्चन 1, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड सेलेक्ट द नेक्स्ट टर्म इन सीक्वेंस, तो ये नॉन वर्बल रीजनिंग आ गई दोबारा से इसमें। अब देखो बड़ा आसान है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मतलब सारे बॉक्सेज हैं 7, दूसरे पर एक ट्राइंगल आ गया, फिर नेक्स्ट कॉमा के बाद क्या है चौथे पर ट्राइंगल आ गया, अब क्या होगा कि छठे पे आएगा ट्रायंगल, पहले लेंगे नहीं था फिर दो पे आया दूसरे पे, अब चौथे पे आया चौथे के बाद छठे पे आएगा, छठे पे ट्रायंगल कहाँ पर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑप्शन सी के, समझ गया। तो ये हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग हो गई। क्वेश्चन 2 है, रीड द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर, अ मैन एंटर्स अ रूम एंड फाइंड्स अ मिरर, एक आदमी एक दाखिल होता है कमरे में, उसको आईना दिखता है, ही लुक्स एट हिज शर्ट इन द मिरर एंड फाइंड्स द फॉलोइंग, तो वो अपनी शर्ट को देखता है आईने में और उसको ये लिखा हुआ दिखता है, मतलब दूसरा ये सिंबल और WOIH है उसके बाद ये सिंबल, उसको आईने में ये दिखता है, मतलब अब जो उल्टा होगा ऐसी बातें रियल जो होगी। अनदर मैन एंटर्स द रूम एंड ऑब्जर्व दिस मैन शर्ट डायरेक्टली, एक और बंदा दाखिल होता है कमरे में, उस बंदे की शर्ट को डायरेक्टली देखता है मिरर में, नहीं डायरेक्ट, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डस ही ऑब्जर्व, तो उसको क्या दिखाई देगा उसकी शर्ट पर लिखा हुआ इन चारों में से, अब ये पहली है, जैसे ऑप्शन बी दिखाई देगा उल्टा हो जाएगा ना वो, तो AHIOW मिरर इमेज हो गया, नहीं है ना, तो मिरर उल्टा हो गया। अच्छा ये नहीं होगा ना, ये भी AHIOW है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो उसका साइन पलट गया, साइन तो वही रहेगा ना, साइन थोड़ी ना पलट जाएगा, लेस देन रहेगा, ग्रेटर देन नहीं रहेगा, तो ये बी ऑप्शन है, तो पहली यही है। क्वेश्चन 3 है, रीड द पैसेज एंड द फॉलोइंग स्टेटमेंट बिलो देन चूज द करेक्ट ऑप्शन बेसिंग योर आंसर ओनली ऑन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड, ये तो दोबारा वही पाकिस्तान में रिचित एंट्री वाला, ये तो पीछे भी किया है किसी एक यूनिवर्सिटी के टेस्ट में, तो रिपीट भी होता है कि ये एक ही टाइम पे सारे टेस्ट हो रहे होंगे, तो एक ही टाइम पे एक ही वक्त पे पाकिस्तान में हो रहा होगा, लेकिन अलग अलग टेस्ट पेपर बच्चे दे रहे होंगे अलग सुबह, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर रिपीट भी हो गया तो कौन सा बाद में आना है, उसी टाइम खत्म हो गया ना वो, तो अगले दिन थोड़ी ना हो रहा है टेस्ट, तो अगर सारा पेपर एक ही पर आ जाए तो भी कोई मसला नहीं होगा, जैसे PMC में होता था, और सुबह का अलग बना तो भी कोई मसला नहीं, क्योंकि एक ही दिन में सारा टेस्ट होना है, सेकंड डे नहीं होता, MD का सबसे बड़ा टेस्ट होता है पाकिस्तान का।
नम से भी, नम से बहुत छोटा टेस्ट है, एमडी कैट बहुत बड़ा है नम से। वो जो राइट साइड है पूरे पाकिस्तान का टेस्ट कराची से कश्मीर तक एक साथ टेस्ट हो रहा है और इंटरनेशनल अलग हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा एक हजूम वाला टेस्ट होता है। बाकी तमाम यूनिवर्सिटी का टेस्ट अलग अलग होता है, अलग डेज में अलग टाइम में। जैसे डाओ वाले हैं तो वो DUHS वाले MT का टेस्ट अलग लेते हैं, फार्मडी का अलग लेते हैं, मतलब तरीका यही होता है कि अलग अलग फील्ड का अलग अलग टेस्ट लिया जाता है। लेकिन डाओ का MBBS का पूरे पाकिस्तान में एक टेस्ट एक ही साथ होता है। कितनी यूनिवर्सिटी हैं पाकिस्तान में, प्राइवेट गवर्नमेंट सबका एक साथ हो रहा है, और उसमें सबका एडमिशन थोड़ी ना होना है, टेस्ट हर कोई दे। क्वेश्चन 4 है, अ बॉल इज अ स्फीयर, ऑल स्फीयर्स आर राउंड, सम राउंड थिंग्स आर मेसमराइजिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज नेसेसरी टू। और फिर ये वेन डायग्राम वाला आ गया। अ बॉल इज अ स्फीयर, बॉल जो है बेटा वो स्फीयर है, तो बॉल इज इक्वल टू स्फीयर, ऑल स्फीयर्स आर राउंड। अ बॉल इज अ स्फीयर, चलो मैं इसको इस तरह से बना देता हूँ पहले। तो यहाँ पर मैं बॉल लिख देता हूँ, उसके अंदर बॉल एक स्फीयर है, स्फीयर में से एक है, तो बॉल एक स्फीयर है, ऑल स्फीयर्स आर राउंड, और जितने भी स्फीयर होते हैं सारे के सारे स्फीयर क्या हैं, ये राउंड है। तो या फिर इसको भी इसी तरह से कर लेते हैं, जितने भी स्फीयर हैं सारे के सारे राउंड हैं, या मतलब सारे स्फीयर राउंड हैं। सम राउंड थिंग्स आर मेसमराइजिंग, कुछ राउंड चीज़ें ऐसी होंगी जो मेसमराइजिंग होंगी, कुछ राउंड चीज़ें मेसमराइजिंग हैं, ठीक है। तो सम राउंड थिंग्स आर मतलब सारे राउंड थिंग्स नहीं, तो यहाँ पर हम इस तरह से बना देते हैं, यहाँ लिख देते हैं मेसमराइजिंग, तो कुछ राउंड चीज़ें मेसमराइजिंग हैं। अब उसमें ये भी आ सकता है घूम के इधर में ना, इस तरह कुछ स्फीयर भी मेसमराइजिंग हो सकता है, कुछ बॉल भी मेसमराइजिंग हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर आ रहा है ना। तो ये थोड़ा दिमाग का फालूदा वाला सवाल होता है, तो उसको ऐसे बनाना ज़रूरी है। अब आ जाते हैं, ऑल बॉल्स आर मेसमराइजिंग, सारे बॉल मेसमराइजिंग होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, वन पकड़ गया। ऑल राउंड थिंग्स आर स्फीयर, जितने भी राउंड चीज़ें हैं वो सब स्फीयर हैं, नहीं ज़रूरी नहीं है हर स्फीयर, ऑप्शन 3 है, सम मेसमराइजिंग थिंग्स आर स्फीयर, कुछ मेसमराइजिंग चीज़ें स्फीयर हो सकते हैं, ये पॉसिबल है, तो ओनली 3 करेक्ट है, ये ऑप्शन सही है। तो अगर उसको तुम पढ़ के करोगे ना तो दिमाग का फालूदा निकलेगा, क्यों समझ ही में नहीं आएगा क्या हो रहा है, वो ऐसा समझ में आ जा रहा है, उसमें नहीं आता है, वो पता नहीं घुमा जाता है ना कि ये चीज़ ये है और ये चीज़ ऐसी है और ये चीज़ ऐसी है, तो वो आप परेशान हो जाते हैं। तो बेहतर है कि डायग्राम बनाया जाए, इसमें इस तरह के सवाल आए। क्वेश्चन 5 है, देयर इज अ शिप डिक्लाइन इन प्रोडक्शन, सॉरी शार्प डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स दिस ईयर, ऑयल सीड जो होता है सोयाबीन वगैरह जो होता है ना ऑयल सीड जिससे वेजिटेबल ऑयल बनाते हैं, तो उसकी प्रोडक्शन में कमी हुई है बहुत ज़्यादा इस साल। तो द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इंक्रीज द इम्पोर्ट क्वांटम ऑफ एडिबल ऑयल, तो गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि एडिबल ऑयल जो है उसके इम्पोर्ट को बढ़ाया जाए, चूँकि पाकिस्तान में नहीं बना सकते तो बाहर से बढ़ाया जाए, तो क्या कॉज है क्या इफेक्ट है, वन कॉज है टू इफेक्ट है, सही कॉज, ओके 6 है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अज्यूमिंग एवरीथिंग, कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन बताना है। स्टेटमेंट है एम्प्लॉयज आर अराइविंग टू वर्क मोर देन 5 मिनट्स लेट एवरी डे, मतलब मिसाल के तौर पे आप किसी कंपनी के मैनेजर हैं, अच्छी पोस्ट पे चले गए, मतलब बड़ी पोस्ट आपको मिल गई है, डिप्टी मैनेजर बन गए, और आपके सामने की स्टेटमेंट आती है, इस तरह की चीज़ें इंटरव्यू में पूछी जाती हैं लाजमी, जब इंटरव्यू जब आप मैनेजर पोस्ट पर देना चाहते हैं ना AM या मैनेजर, तो आप CS पूछा जाता है कि एम्प्लॉयज़ आर अराइविंग टू वर्क मोर देन 5 मिनट्स लेट एवरी डे, एम्प्लॉयज़ क्या कर रहे हैं 5 मिनट लेट आ रहे हैं रोज़ाना, अब क्या करना चाहिए, पहला इम्पोज अ स्ट्रिक्ट पेनल्टी ऑन हाफ डेज पे एवरी टाइम समवन इज़ लेट, एक बहुत सख्त पेनल्टी लगाएं कि आधे दिन की पगार दे तनख्वाह दे उन लोगों को जो लेट आए। दूसरा अप्लाई 15 मिनट्स बफर, 15 मिनट का बफर अप्लाई कर दें, मतलब 15 मिनट तक लेट, 5 मिनट लेट नहीं बल्कि 15 मिनट तक लेट का आप कर दें, कि 15 मिनट तक का बफर दे दें, रिलैक्सेशन दे दें। एनी वन इज लेट मोर देन 2 टाइम्स अ मंथ आफ्टर दिस बफर पीरियड, हर वो शख्स जो 2 बार से ज़्यादा लेट आता है 15 मिनट से ज़्यादा, तो उसको क्या किया जाए डॉक्ट 1 डेज पे, 1 दिन का पगार उसका काट लिया जाए, तो बेहतर क्या है, चलो सही है, तो लोग मैनेजर बन सकते हो, मतलब ऑप्शन 2 ये ज़्यादा बेहतर है, ए नहीं करना चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन है, करने में क्या मैनेजर कुछ भी कर ले, कौन बोल रहा करेगा उसको, वो ये भी कर ले,
लेकिन असल तरीका यही है, जैसे हमारे स्कूल्स होते हैं ना, उसमें किया जाता है, अलग अलग दुनिया भर के रूल बनाए जाते हैं टीचर्स के लिए, अरे भाई ये एक छुट्टी कटी, तो अगर हॉलीडेज़ के बाद छुट्टी हुई तो सारी हॉलीडे की छुट्टी कट गई, सारे पैसे कट गए, इस तरह हर रूल टीचर के खिलाफ बनाया जाता है। आपने देखा ऐसा ही मसाइल होते हैं बड़े, तो वो तो जैसे प्रिंसिपल है, जो मर्जी बना दें क्या फ़र्क पड़ता है, एक ओनर एक स्कूल क्या हो तो कुछ भी रूल बना दे क्या फ़र्क पड़ता है, सब चलेगा। लेकिन असल तरीका तो ये ना कि आप एक अगर आप एक अच्छे मैनेजर हैं तो आपको मैनेज करना चाहिए चीज़ों को, आप स्ट्रिक्ट वो ना लें, वरना इन द मीन टाइम उस वक्त तो आपको फ़ायदा है बट आगे जाकर नुकसान है, आप अपने अच्छे एम्प्लॉयज़ खो देंगे। इसलिए अक्सर अच्छे टीचर चले जाते हैं स्कूल से, दूर दूर चले जाते हैं स्ट्रिक्ट रूल्स की वजह से, फिर जो टीचर बाद में आते हैं वो ढंग के होते ही नहीं है, तो नुकसान इस इंटर स्कूल को उठाना पड़ता है इन द एंड, कुछ भी हो जाए ऐसा ही होता है ऐसे ही। तो एक स्ट्रिक्ट एक कोर्स ऑफ एक्शन का फॉलो करना ज़रूरी है, एक सही कोर्स ऑफ जो अप्रोप्रिएट हो, वजह इसके कि हम अपनी मर्जी चलाते रहे कि भाई हम तो डॉन है, क्योंकि हम ओनर है तो हम जो मर्जी करें कौन पूछने वाला है, तो राइट तुम्हारे को पूछने वाला तो नहीं है, बट लॉजिकल रीजनिंग भी एक चीज़ होती है, इंसान लॉजिक इस्तेमाल करना चाहिए इंसान को, वरना इंसान अपना नुकसान ही करता है, फ़ायदा नहीं करता। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गए, ये सारे आई थिंक हो गए, अब वो मैं